बोले सर हमको ये इन बच्चा सब नादान बच्चा सब देख लीजिए, मृत्यु का जो है नादान बच्चा यही तीनों है, दो लड़की है एक लड़का है ये छोटा किडनी में छेद वाले, उसको उसको बाद जो है हमें इंसाफ चाहिए सर। दरभंगा के सिमरी में वार्ड सदस्य की मौत ने एक बार फिर लोगों में दहशत फैला दिया है। जहां तीन मासूम बच्चे के सर से पिता का साया उठ चुका है, तो वहीं अब लोगों के दिल से ईमानदार राजनीति का ख्याल भी खत्म हो चुका है। वार्ड सदस्य की मौत को लेकर जो अब तक हम सुनते आ रहे थे, दरअसल वो कुछ और ही था। असल मामला तो अब परिजन और गांव वाले बता रहे हैं। नल जल योजना में ठेकेदारी और ईमानदारी के बीच आखिरकार ईमानदारी की मौत हो चुकी है। लेकिन क्या कानून भी मर चुका है? नहीं, ऐसा नहीं है। परिजनों को अब भी इंसाफ की इंतजार कानून व्यवस्था से है। सर हमको ये इन बच्चा सब नादान बच्चा सब देख लीजिए, मृत्यु का जो है नादान बच्चा यही तीनों है, दो लड़की है एक लड़का है ये छोटा किडनी में छेद वाले, उसको उसको बाद जो है हमें इंसाफ चाहिए सर। मारने वाले पांच व्यक्ति है, पांचों व्यक्ति को साथ में इंसाफ चाहिए, हम सजा चाहिए, सजा चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। आग्रह करते हैं सरकार से हमें इंसाफ मिले, इंसाफ मिले। हम लोग जो है सर तीन चार घर है, लहरी सदस्य का चार घर है। हम लोग को जो दबंग लोग बहुत सताते हैं, वो लोग जो है दबंग है, कभी भी छूट के आएगा हम लोग को गोली मार सकता है। स्टेटमेंट दे रहे हैं बल्कि हमको कभी भी छूट के आएगा तो गोली मार दे सकता है। जिस तरह से मारा है उस तरह हमें भी मार देगा। धमकी भी दिया था पटना में हमें, उसका आदमी वो आदमी को हम नहीं पहचान पाए थे सर। पटना में अभी आप कह रहे थे धमकी का, तो क्या ये पटना में कौन सी जगह की बात बता रहे हैं? पटना हॉस्पिटल में सर, पीएमसीएच हॉस्पिटल में इनको लेकर के थे, जीवित थे एकदम, जैसे हम बोल रहे हैं उसी तरह ये लड़का बोल रहा था। हाँ, जिसको बाद है उनका आदमी बोला हम सिमरी से हैं, हम कहे आपको तो हम नहीं पहचानते हैं, सिमरी से है तो हम आपको नहीं पहचानते हैं, चाहे ज्यादा नहीं बोलेगा, चुपचाप रहो। उसी दरमियान जो है कि से हम बुद्धि किए कि से हम बाहर, हमारे साथ में दो एक पुलिस वाले थे एक चौकीदार थे, हाँ सिमरी थाना का, तो उनको हम सोचे कि उनको बुलाने जाए जब तक में वो आदमी फरार हो गया, उसे हम पहचानते हैं नहीं सर। धमकी दिया था ज्यादा। हेलो सर, जे दी सब हम सवेरे से रिपोर्ट बताबे छी, हम शुरू से बताबे छी सर। हमर मतलब ना घर वाला के ना वार्ड नंबर के मीटिंग छली, बुझलिए, तो वार्ड नंबर के मीटिंग में गेले, मीटिंग से जे छुटले ना सर, त मतलब घर एलखिन तखन से बब्बन यादव जे ओकरा मोटरसाइकिल पर पूरा घुमेलखिन, पूरा मतलब जहाँ घुमाबे हम तो नहीं छे मोटरसाइकिल, मगर पूरे घुमेलखिन। घुमेला के बाद 6 बजे साँझ में हम कहलिए मछली नहीं आन दे, हम ऑपरेशन करेने छी जे आन दिय, जे बिरदीपुर के हटिया छी सर, तो कहलिए ना तो हमर दूल्हा मतलब मछली आन दिलखिन ना, तो मतलब खाना पीना हमर दूल्हे बनबे छै, हमरा ऑपरेशन करेला ना से 10 दिन भेल छै सर, खाना बनबे छलै उहे तो उहे जे बनबे छलै ना, तो कल तब वो तब बबन भैया छोड़ के चल गए तो मछली लग गए। बबन जी कौन है जिनका नाम आप ले रहे हैं? बबन यादव जो गोली मारा है, मतलब बबन यादव है, हम कहे छी ना के मतलब एक यहाँ पर का ना से उ, मतलब अथी है, मतलब मास्टर टाइप के है, मतलब गाँवे के है, ओकर रखने छलखिन मुखिया जी आदमी, तो हम कहे कि जो मछली जो लोलिए हम तो बना ना दिए, तो उ तब चल गए ना, तकर बाद ना जो हमारे दूल्हा पर मुखिया जी अपने जे बबन भैया पर से घर पर से फोन कलखिन गणेश से सुनै छ, हमर घर वाला के खूबी रहे जे स्पीकर ऑन क के नहीं मतलब खोल के बात करत रहे, जे अहाँ जे बतियत रहे 10 आदमी सुनत रहे कखनियो एके टा बार में, हमेशा हमर घर वाला के वादत रहे। तो मुखिया जी की कहे जे गणेश आबो ना 5 मिनट में तोरा से छोड़ देब, से ना वैसे पहिने जे नाला आ रोड के से काम चलै छले, ओहिमे मुखिया जी ना से चुनने छले हन जे बब्बन यादव के, जे बब्बन यादव ठेकेदार बनते, ओकरा पास पैसा है, मास्टर टाइप के लोग छे ओकरा पैसा है, से 20,000 रुपया अपना मने से
दौ देने छले मुखिया जी के बब्बन यादव तगर कहे कि से दौ द पाँचे मिनट के अंदर मछली पाँचे मिनट ला मछली मछली ला कह के बोला लेलके बोला लेलखिन हमर दुल्हा चल गेलखिन। चल गेला के बाद ना जे हम किछ देर के बाद से फोन के लिए बबन यादव के घर पर मतलब हम अपना दुल्हा के मगर सुनने चलिए जे बबन यादव के घर पर से बबनो यादव के मुखियो जी के तो हम गाँव गाँव के आवाज के लिए सुनलिए एक कॉल फोन के लिए तक जब आप फोन किए तो किनके नंबर पे किए थे? हम अपना दुल्हा के नंबर पे। अच्छा अच्छा तो लोगों की आवाज आपको मिली? हाँ गाँव गाँव के आवाज तो हम कहे कि जे मुखिया जी तो अपने आदमी है जे हेत कि शायद किछ करते हेत हँसी मजाक कर बुला के ना लग गए हम फोन से तो मैं शक करिए कोई बाते नहीं तो हम गप छोड़ दिलिए हम ऑपरेशन वाला आदमी हम केनहतु के मछली बना के आ धो रखलिए हम खेबो नहीं के लिए सर हम ओकर ना फिर हम अपना जाओत से जही मोबाइल से लगेने रहिए वही मोबाइल से फिर कल कि से बुआ कनी हमारा चाचा से बात करा ना द कनी देर के बाद जब करलिए ना तो मोबाइल स्विच ऑफ होता फिर हम अपना जाओत से कहे कनी करा ना द बुआ फोन बात तो स्विच ऑफ बतबे हम ओत ध्यान नहीं दिलिए नहीं दिल के बाद मतलब आ सात आठ बजे के बीच में जे बोला लेने छलखिन घर पर तकर बाद के बीच में जे हम गाँव गाँव के लिए हम ओकरा पर शक नहीं के लिए मगर बोले नहीं छलखिन मुखिया जी। आप अभी सात आठ बजे की बात करे थे ये संध्या का समय या सुबह के समय? संध्या के समय। अच्छा अच्छा संध्या के समय आ दिनों में घूमेने छथिन तीन बजे के बाद बबन यादव बैठा के मोटरसाइकिल पर आ मगर बोलेने छथिन से मुखिया जी के आवाज हम पहचानने छी मुखिया जी खुद छथिन बोलने फोन पे उनको बुलाया थे फोन करके तुरंत परेशान कर दिल के फोन से तो फिर ये जो घटना हुआ इसका आप लोग को कब पता चला? तो सर सुनो ना मतलब ना जे ई तो हम अब भरोसा कर लिए जे हमर घर वाला तो मुखिया जी के साथ छै पिए खाइत हेतै से ने हेतै उ पार्टी के आदमी तो पिए खाइ ने है जे वापस किन साथ पैसा करे तो पिए खाए छे पार्टी बने छे उ बात के बात ना हम गुस्सा से खानो नहीं खेलिए सर हम जाके जे सिनेमा देखे छलिए सिनेमा जे देखे छलिए हन तो दस ग्यारह के बीच में के बात कहे राति में जे पुलिस दौड़ल आयल मगर हम बाहर से आवाज नहीं के लिए जे हम पुलिसे ही कल कि जे बाहर से जे गणेश का घर है गणेश का घर है वार्ड नंबर का बारह वार्ड के तो हम कहे हाँ यो छे बारहे वार्ड के घर से गणेशे के घर छे हम कल के गलिए हम खोले ला जहाँ गेट खोले ला चल लिए ना कि हम मतलब पुलिस वाला सब अपने में अपने जे टॉर्च बारे ना जल्दीबाजी में से हम देखलिए ना से हमरा डर से घबराहट चल जे हमर घर वाला तो बदमाश तो छला नहीं जे हमर घर वाला मार करत तो पुलिस वाला एले कैला आ पुलिस वाला एकेटा गप कहे जे ना अहाँ के घर वाला के गोली मार देने हैं गोली मार देने हैं आ दरभंगा में फेंक देने छला अहाँ के इसे ई फेंक पुलिस वाला बोला। हाँ पुलिस वाला बोल डीएमसी में भर्ता थी फेंक देने छला हमरे बोला द एकटा फेंक देने छला तो लहास लौलिए हन से अहाँ की कह जाए हम कहलिए सर तो हमरा तो बुझले नहीं है तो ये पुलिस वाला कहे हाँ चलू चलू हमरा जे देह थरथराए लगलखिन ना उ गाड़ी पर हमरा बैठाबे ला बहुत कोशिश कलखिन मगर हमरा तो दसे दिन ऑपरेशने के भेल छलै तो हम नहीं जा पुलिस हमर दियादनी गोतनी सब मिल के पूरा समाज वाला सब हमरा नहीं जाए दिलखिन आ दूगो चारगो मतलब दियादनी सब गेलखिन ओकरा गाड़ी पर बैठ के पुलिस के साथ पुलिस के साथ पुलिस लग गेलै दरभंगा ओकरा ओकरा गोली मारल त छलै एते तक हम देखलिए सर बोलू जिस बुधवार को रात में ये घटना के स्तर में हम उन्हें कुछ नहीं जानते हैं ठीक है जब 11-12 बजे रात में हमारे घर पर फोर्स आया तो कहा कि 12 नंबर वार्ड को गोली मार दिया डीएमसी में फेंक दिया तो प्रशासन आया तो पूछा आपका कौन है हम बोले मेरा भाई है इसका गार्जियन कौन है हम बोले बर बहनोई या बहन सब उस टोला में रहता हम उठाते हैं तो बोला सभी आदमी चलिए और गणेश साहब वहाँ दरभंगा में हॉस्पिटल में फेंक दिया है उसको इलाज के लिए प्रूफ चाहिए तो हमारे महिला लोग तीन चार को गए तीन चार भाई गए कि इनको संभाले संभालने के बाद जो है इनका कमर टूटा हुआ था एसपी साहब इलाज उलाज किए उसके बाद डीएमसी पटना भेज दिए हम लोग को कुछ मालूम नहीं है अगर पुलिस वाले नहीं कहते तो हम लोग को कुछ मालूम नहीं है ऐसा कांड कर दिया इस गांव में कि थाना तक के भी पता नहीं लगा न कोई आदमी के पता लगा अब बताइए कितना बड़ा उकरवादी है कि अपने घर में भी खून करता है आदमी को पता नहीं लगता है